बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बना रहे हैं आलू के स्प्रिंग रोल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। रोल के लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने 500 ग्राम आलू लेके इनको उबाल के छील ली है। एक दरमियानी साइज़ का प्याज ली है, 2 टेबल स्पून ऑयल, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, 2 सब्ज़ मिर्चें लेके इनको चॉप की है, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और नमक हसबे जायका। आलू को हम मैश कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मोटा रखेंगे इनको। ऑयल लेंगे, ऑयल गर्म हो गया, इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद इसमें मैश किए हुए आलू डाल देंगे, सारे मसाले डाल देंगे, सोया सॉस, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया। इनको हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। 2 मिनट गुजर गए हैं, अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आलू का मिक्सचर ठंडा हो गया, अब हम रोल बनाना शुरू करते हैं। मैंने रोल शीट्स ली हैं और ये मैंने मैदे का पेस्ट बनाया है। 1 टेबल स्पून मैदा लेके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये मैंने एक रोल शीट ली है, इसके ऊपर हम आलू का मिक्सचर रखेंगे। एक कोने पे रखा है मैंने, अब हम इसको फोल्ड करेंगे। मैदे का पेस्ट लगाएंगे, इसको इस तरह से साइडों से पकड़ के ऊपर रखेंगे। फिर इसको फोल्ड करेंगे, मैदे का पेस्ट लगा देंगे। इस तरह से बना के एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये मैंने सारे रोल तैयार कर दिए हैं, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था, अब ये गर्म हो गया है तो हम चूल्हे को कम कर देते हैं और इसमें रोल डाल देंगे। रोल दोनों साइडों से फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बाकी फ्राई कर लेंगे। आलू के स्प्रिंग रोल तैयार हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।